नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी। मैं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। चंद्रपुरा थाना प्रभारी दुलर चोड़े ने गुप्त सूचना के आधार पर मकोली से पिकअप बेन गाड़ी संख्या JH02U3383 में लदी लगभग 6 क्विंटल अवैध कोयला को जब्त कर पिकअप वेन गाड़ी को चंद्रपुरा थाना लाकर केस दर्ज कर लिया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी दुलर चोड़े ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि मकोली के पास अवैध कोयला एकत्र कर बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके आलोक में सीनियर अधिकारियों के आदेश पर छापेमारी की गई। उक्त स्थान पर पहुंचे तो जगह जगह पर कोयला रखा हुआ था, साथ ही एक पिकअप वैन भी थी, उसमें चालक नहीं था। पुलिस को आते देख कोयला चोर भाग गए। थाना प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का 2 नंबर का काम नहीं चलेगा। कोयला का क्या मामला? ये रात में जो है गुप्त सूचना मिली कि मकोली में जो है एक जगह पर चोरी करने की नीयत से जो है कोयला रखा गया है, और साथ में अगर तत्काल अगर रेड किया जाए तो गाड़ी वगैरह भी बरामद हो सकती है। इस सूचना के आधार पर हम लोग ने अपना सीनियर को सूचना की सूचित किया। इसके बाद हम लोग वहाँ रेड मारे, हमने देखा कि एक टाटा मैजिक गाड़ी है, उसमें लगभग 15-20 बोरा जो है कोयला लोड है, फिर कुछ और कोयला है जो लोड के लिए रखा हुआ था। हमने उन सबको सभी जब्त किए हैं, क्योंकि उसमें कोई भी चालक मिला नहीं हमको, चालक फरार हो गया था हम लोग को पहुँचने से पहले ही। हमने जो है विधिवत इसको जब्त करके थाने लेके आए हैं, इसमें काम दर्ज किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, अब बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।